ये बच्चा फील्ड ले रहा है। वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लैनेट। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी तमाम खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम विजिट करने आए हैं फराज बे के सेटअप पे, जो कि एक पाकिस्तान के पुराने फार्मर्स में से एक फार्मर हैं। ये हैं अरशद चौधरी फराज अहमद, तो और पाकिस्तान के पुराने फार्मर्स में से एक फार्मर हैं और लाहौर के पहले फार्मर हैं जिन्होंने रैबिट्स हॉबी को इम्प्रूव किया। एग्जीबिशंस भी करवाई हैं इन्होंने और उस एग्जीबिशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चले आए फराज भाई से पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन से जो से म्यूटेशंस के खरगोश हैं और इनके पास पाकिस्तान में काफ़ी रेयर जो ब्रीड पाई जाती है वो सारी इस सेटअप पे मौजूद हैं। तो चले हैं फराज भाई से बात करते हैं और आपको शौक करवाते हैं रैबिट्स का, जो रेयर ब्रीड्स हैं पाकिस्तान की, आपको शौक करवाते हैं। जी फराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फराज भाई बताएं इनके बारे में कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड्स अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में रेयर हैं, एक्सपेंसिव हैं। इनकी ज़रा हमारे व्यूवर्स को डाइट प्लान और वो जो भी इनका ब्रीडिंग प्रोसेस है, मेडिसिन हैं जो इन पर यूज़ होती हैं, वो सारा डिटेल के साथ ज़रा काइंडली बताएँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप आए मेरे पास। और ये जो सेटअप अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे एक घर के कमरे में हम लोगों ने सेटअप को बनाया है और इसको एक डेमो के तौर पे हमने बनाया था, क्योंकि लोग जो रैबिट्री की तरफ आते हैं कि रैबिट्री करनी है, उसमें उनको सबसे बड़ा मसला आता है कि यार ये तो ज़मीनी जानवर है, इसको हम लोग केज में कैसे रख सकते हैं। ये केज में इसको रखने के लिए जो है वो एक, फिर केज में रख लेंगे तो फिर उसको घर में कैसे रखेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मैंने फार्म से कुछ केजेस और कुछ रैबिट्स मैंने घर में मंगवा के अपने एक सेटअप पे, एक घर का एक सेटअप बना के रखा हुआ है, ताकि जो दो सवाल करें कि जी हमारे पास रैबिट तो हैं मगर हम घर में नहीं रख सकते, ये तो खुली जगह का जानवर है, हम लोग इसको किस तरह मेनटेन करेंगे, इसको क्या खिलाएँगे क्या पिलाएंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उन सारे सवाल का जवाब देने के लिए मैंने एक कमरा जो है वो इनके लिए मुख्तस कर दिया है कि जो दोस्त समझेंगे यार घर में किस तरह रखेंगे, तो उनको यहाँ पे इनवाइट करके हम लोग दिखाते हैं कि आप घर में एक सेटअप जो है रैबिट का वो आप बना सकते हैं, इससे पैसे कमा सकते हैं। नहीं पैसे आपने कमाने तो आप शौक कर सकते हैं, हलाल जानवर है, जिस तरह लोग बर्ड्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं, डॉग रखते हैं, तो आप उनको अच्छा कर सकते हैं। इस शौक को भी जो है वो आप प्रमोट कर सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसा शौक है कि ये असल में बेजुबान जानवर तो ये हैं, बर्ड्स भी शौक करते हैं, कैट्स भी करती हैं, डॉग भी करते हैं, इन्होंने कोई शोर नहीं करना, जैसा कि मतलब इसको थोड़ी सी इसको इस वक्त भूख लगी है लेकिन ये शोर नहीं कर रही। ये फीमेल है बच्चों के साथ, माशाल्लाह इसके 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो इन्होंने खुराक भी उसी तरह ही खानी, तो ये चूँकि इनकी थोड़ी सी ज़रूरियात होती हैं, अब इनको मैं गुड़ जो है वो दे रहा हूँ, ये देखें तो ये गुड़ किस तरह से मैं अभी इसको ये दे रहा हूँ, ये गुड़ खा रही है और इसके बच्चे भी जो है वो यकीनन गुड़ अभी खाएंगे जो देखेंगे। ये हमारे पास ब्रीड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो जितनी भी ब्रीड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी की सारी ब्रीड्स इम्पोर्टेड हैं, मतलब ये सारी डायरेक्ट इम्पोर्ट हैं, ये लोकल किसी फार्मर की नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने 2019 के स्टार्ट में एग्जीबिशन करवाया था और जहाँ उस वक्त जो लोग फार्मिंग कर रहे थे और वो पाकिस्तान से आए थे मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें एक्सपो ने बकायदा शील्ड भी दी थी, बहुत ज़्यादा फुट फॉलोइंग थी। सिर्फ वो एग्जीबिशन इसलिए था कि एक तो रैबिट को प्रमोट किया जाए और रैबिट की वर्थ लोगों से देखी जाए कि लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जी वेयर इज़ द मार्केट, मार्केट किधर है, वो रैबिट कौन खरीदेगा। तो देखें जी, रैबिट को आप अगर बिजनेस के तौर पर नहीं भी रखते तो जो लोग एज अ पेट रखते हैं, कैट्स अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव कैट हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये भी आप एज अ पेट भी इसको अपने घर में रख सकते हैं और एज अ पेट भी ये सेल हो सकता है, आप इसको फार्मिंग की तरफ ना लेके जाएं। और जो दोस्त इसकी इतनी उनके पास स्पेस है, वर्थ है, तो वो यकीनन इसकी फार्मिंग करें, फार्मिंग की फिजिबिलिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी, इनके जितने भी
मामलात हैं इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के, इनकी जो भी वैक्सीन हैं जो भी मेडिकेशन हैं वो भी बता दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं एज अ पेट, क्योंकि ये एक चैनल है पेट का, तो ये मेरे पास आए हैं, ये पेट के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने एज अ पेट इसको रखना है घर में, तो आप इसको रख सकते हैं एज अ पेट, ये सेल भी होते हैं एज अ पेट, आप इनको बाय भी कर सकते हैं। तो ये ब्रीड जो भी है वो प्योर होनी चाहिए तो ही कोई भी शौक अच्छा लगता है, अदरवाइज क्रॉस ब्रीड्स के ऊपर जो है वो लोग ना तो इतना शौक करते हैं और ना उनका कोई इतना अच्छा कोई आगे कोई नज़र आता है। तो ये पांडा फीमेल है अंगोरा के अंदर, ये वाली ये अंगोरा पांडा है, पांडा में है, ठीक हो ठीक है। ये स्मॉल कितने बच्चे दिए हमें इसने? 8 बच्चे, इनकी जो एवरेज है वो 4 से 8 है, कम अज कम इनकी जो बच्चों की एवरेज है वो 4 होती है। अगर फीमेल का साइज अच्छा है, वो हेल्दी है, तो फिर इनकी जो बच्चों की तादाद है, क्योंकि इनमें 2 ओवरीज होती हैं और ये 8-12 तक बच्चे भी देते हैं। मेरे पास जो मैक्सिमम बच्चे आए हैं वो 12 बच्चे आए हैं, लेकिन अभी इनके 8 बच्चे हैं इसके, इसी तरह इसके भी 8 हैं, देखें फीड कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये बच्चे सारे फीड भी करते हैं और साथ साथ वो घास वगैरह भी खाते हैं। अब ये कलर देखें, ये कलर बहुत रेयर है, ये कलर माशाल्लाह ब्लू कलर में आता है, अभी कैमरे में पता नहीं वो आपको फील हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये कलर ब्लू है, ठीक है। तो ये इसी तरह ये कलर अंगोरा में है, ये भी प्रेग्नेंट फीमेल बच्चों वाली फीमेल है, ये भी जितनी इस वक्त ये सारा सेटअप सारी ऑलमोस्ट फीमेल्स हैं यहाँ पे, ये मेल है फुल फेस में, ये ट्रिम जितनी फीमेल्स हैं इस वक्त ये ट्रिम है, ये फुल फेस है, इनमें कोई भी अंगोरा जो है ना वो स्मॉल फेस में नहीं है, मंकी फेस में नहीं है, फुल फेस में है। और ये जॉइंट अंगोरा में बड़ी फीमेल है, इसने 12 बच्चे दिए थे, आप इसके बच्चे भी देख सकते हैं, इसके बच्चे भी आपको नज़र आ जाएंगे, वो भी अभी भी फीड कर रहे हैं, और ये अगेन प्रेग्नेंट है, यानी कि और 10 दिनों बाद इसने फिर बच्चे देने। तो ये कितनी देर बाद अपना ब्रीड, हम एवरेज क्या है इनकी, एवरेज महीने बाद तकरीबन साल में 6 दफा अगर आपने इनको रिलैक्स रखना है, क्योंकि पेट इसी तरह ही होता है, आप अगर साल पूरा साल ब्रीड लेंगे तो महीने में 9 दफा, साल में 9 दफा तो आप ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा वाली बात है, मतलब आपने पेट रखा तो उसकी वो जो क्वालिटी है, क्योंकि जब एक जानवर ब्रीडिंग पे आ जाता है तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, हर बंदा पेट लवर जानता होगा। तो इसलिए बस ये मैंने इनसे साल में, मेरा ख्याल है मेरी दूसरी ब्रीड है इनसे, और शायद मैं अब इनसे मजीद ब्रीड इसी सर्दी में लूँगा, उसके बाद ये लास्ट ब्रीड मैं इनसे लेनी है, 3 ब्रीड मैं लेता हूँ साल में, जिससे मेरी फीमेल्स भी अच्छी रहती हैं, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी होती है, और मुझे कभी भी इसमें मसला नहीं पेश आया, ना बच्चों में, ना ब्रीडिंग में, ना फीमेल एक्सपायर कभी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने ये मेरा घर है, एक घर का एक कोना है जहाँ मैंने ये रूम में सेपरेट मैंने केजेस बनवाए हैं, इसमें केजेस दूसरे भी आते हैं जिसमें ड्रेन सिस्टम होता है कि इनका यूरिन जो है वो एक पाइप में जाता है और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खुद ही वो निकल जाता है, वो केज भी मैं आपको भी दिखाता हूँ जो उन्हें बनाया हुआ है। ये सारी इस वक्त फीमेल देख लें, ये बच्चों के साथ हैं माशाल्लाह, इसमें भी बच्चे हैं, हाँ जी ये सब में बच्चे हैं जितने भी हैं, ये नीचे देखें, ये पांडा, ये ग्रे पांडा में है फीमेल, ये देखें ये ग्रे पांडा में है, ये फुल फेस में है, देख रहे हैं, इसको भी भूख लगी हुई है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट करती है खाना, ये देख ये देख ये आप गुड़ किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं इनको? गुड़ जो है सर्दी के लिए भी देते हैं, इनके फ्लशिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, इनकी भूख को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, गुड़ बेसिकली ऑर्गेनिक चीज़ है, तो ये रैबिट भी ऑर्गेनिक ही हैं, सूखी घास वगैरह खाते हैं, हे खाते हैं और लूसन वगैरह खाते हैं, ग्रेन में आप इनको गंदम वगैरह दे सकते हैं, दलिया वगैरह। तो ये अभी तक की जो ब्रीडिंग सेटअप थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है, और भी हैं तो चले मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ जी। तो ये फ्रास भी, ये कौन सी ब्रीड है ये आपके पास? ये लोप है जी, मिनी लोप इसे कहते हैं, लोप, ये इम्पोर्टेड ब्रेड लाइन है, पाकिस्तान में चंद लोगों के पास इम्पोर्टेड रैबिट्स हैं, और प्योरिटी जो है, क्वालिटी स्पीक इट्सेल्फ, ठीक है, और ज़बरदस्त
ये आपके सामने, ये जरा व्यूवर्स के साथ जरा शेयर करें, इसकी क्वालिटी दिखाएं। ये क्वालिटी आपके देखें ना, पंच फेस है, रेड आइज में है और इसका पफ बना हुआ है इसकी नेक के नीचे, और ये ब्रीडर है इस वक्त, ये साइज इसी इसका इसी तरह ही रहता है। तो इसको थोड़ा सा नीचे रख के इसको दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव, ये देखें देखे ना बिल्कुल पंच फेस है ये। और ये टेडी बियर खिलौना है जिस तरह, मतलब आपके घर में अगर ये किसी केज में पड़ा हुआ है या आपने इसको वैसे किसी घर में खोला भी छोड़ा हुआ है, तो ये खूबसूरत लगता है, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। ठीक है, आप इसको अपने लॉन में, आप अपने इसके फार्म हाउस पे आप इनको रख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर एक पेट है, ठीक है, ना ये काटता है ना ये आपको कोई नुकसान पहुँचाता है, बच्चों के साथ बड़ा लविंग है, कैरेट वगैरह खाता है, तो बच्चों को आप दें। तो ये देखें ना, आप अपनी फैमिली को भी ये गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टर्स को, बच्चों को, बर्थडे वगैरह पे हम लोग अक्सर रैबिट्स गिफ्ट करते हैं, और मोस्टली ये रैबिट जो है वो गिफ्टिंग में बड़ा ज़बरदस्त तोहफा है। रैबिट में एक मासूम जो है ना, मैं इसको समझता हूँ कि ये बहुत ही मासूम और क्यूट है, क्यूट भी है। हाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान ने, हम लोगों ने इसको बहुत मुश्किल से सर्वाइव करवाया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ब्रीड है, तो उसको सर्वाइव करवाया, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये बहुत अच्छी सर्वाइव कर रही है। आपके सामने इसका कोट देखें, ये फ्लफी है बिल्कुल, ये देख, और रैबिट बिल्कुल खुश है आपके हाल लगाने से, वो परेशान नहीं है, वरना परेशानी रैबिट की नज़र आ जाती है। आप इसके ईयर्स देखें, ये डाउन ही रहते हैं, इसलिए इसको लॉब्स कहते हैं, जिनके ईयर्स डाउन होते हैं रैबिट्स में वो लॉब हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये आपका ब्रीडर है जी, ये हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी, आप दोस्तों के सामने है, चेक करें। तो अब हम नेक्स्ट क्या चीज़ आप हमें दिखाने वाले हैं? ये रेड आइज मैंने दिखाई है, ये मिनी लूप में है, मैं आपको लूप ही से स्टार्ट किया है, तो मैं आपको हॉलैंड लूप दिखाऊंगा ब्लू आइज में, वो भी एक रेयर ब्रीड है, ये रेड आइज में है और ब्लू आइज की क्वालिटी और खूबसूरती अपनी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये है हॉलैंड लूप, इसके कान थोड़े से लंबे हैं उससे, और इसकी आंख देखें आप, ये ब्लू है, क्लोजअप करके दिखाते हैं ज़रा। हाँ जी, इसकी आंख जो है ये ब्लू है, वो रेड थी और ये ब्लू है, ये यानी कि रेयर ब्रीड में आती है, ये रेयर ब्रीड में आती है, और ये बहुत ज़बरदस्त साइज में है, ये उससे बड़ा साइज है इसका, ये देखिए, ये देखिए इसकी, मैं इसलिए आँख ज़्यादा दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसके एयर्स उससे ज़्यादा बड़े हैं, इसकी हाइट, इसका साइज उससे ज़्यादा बड़ा है, ये देखिए ज़बरदस्त क्वालिटी है तो ये इम्पोर्टेड हैं, ये मतलब टैटूड रैबिट्स हैं, इनकी बकायदा डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है कि जो हम लोगों ने इम्पोर्ट की है। सही सही, ये सही, वो सही। आपको भी मैं दिखा सकता हूँ इसमें, क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव ब्रीड को लाने का मकसद था कि हम लोग दोस्तों को, पेट्स लवर को, जो क्वालिटी होगी वो अपना आप खुद बोलती है, और क्वालिटी हमेशा एक्सपेंसिव होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपने क्रॉस ब्रीड लेनी है तो वो आपको किसी भी रेट पर मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी बिल्कुल, लेकिन इम्पोर्टेड का एक अपना रेट होता है, पेडिग्री जो है वो उसका अपना एक रेट होता है, इसलिए मेरे पास जितने मोस्टली जो पेट्स हैं वो सारे पेडिग्री हैं, ताकि आप लोगों को ब्लड लाइन अच्छी मिले, आप लोग शौक करें, आप इसको दिखाएं तो आपकी तारीफ होनी चाहिए, इसी में ही बंदे के पैसे पूरे हो जाते हैं कि यार मेरे पास ये देखो रैपिड है, कोई माशाल्लाह बोल देगा, कोई तारीफ कर देगा, तो आपका खून वैसे ही बढ़ जाएगा, पता नहीं मैंने क्या है, लेकिन शौक आपका है, तारीफ से ही हम लोग बस, हमारी प्रॉफिट जो है शौकीन होगी वो तारीफ होती है कि जी क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रैबिट्स मेरे पास मौजूद हैं, जो चीज़ें वो आपको तारीफ और माशाल्लाह लोग ज़रूर बोलेंगे कि वाकई ये एक क्वालिटी है। ठीक है, ये देखें, ये फेस देखें, ये पूरा पंच है, ये देखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है जी पंच फेस, ये हाथ की डायरेक्शन देखें आप, बेसिकली इसको कहा जाता है जी पंच फेस, ये देखें कब देखें इसका, ये पॉइंट्स हैं बेसिकली रैबिट्स में, जब शौक होते हैं अरबा वाले जो शौक करते हैं रैबिट्स में बाहर, तो ये राउंड के भी पॉइंट्स होते हैं रैबिट के। ठीक है, यानी कि ये आप कह रहे हैं कि शो क्वालिटी के, शो क्वालिटी बेसिकली इंपॉर्टेंट, यस, ये शो क्वालिटी के ही रैबिट्स हैं। ठीक है, इनको आप लोकल नहीं कह सकते, या आम रैबिट्स जो इम्पोर्टेड हैं उनसे भी ये एक पॉइंट आ गई, क्योंकि ये शो क्वालिटी है। सही, इनके पॉइंट्स, इनके एयर्स, इनका जो कोड है, स्टफ़ है, ये देखें, ये देखें, ये स्टफ़ इसका देखें, ये देखें,
फ्लफी है, बहुत ज़्यादा फ्लफी है। तो ये स्ट्रेस फ्री रैबिट्स हैं, स्ट्रेस फ्री पेट हैं। जब आप स्ट्रेस में हो, आप इनको ऐसे कोडिंग करें तो आपको वैसे खुद भी सुकून मिलेगा। सही, सही। ये चीज़ें हैं जी, मैं आपको पांडा दिखाता हूँ अंगोरा में, काफ़ी रेयर ब्रीड है। हाँ बिल्कुल, बहुत रेयर ब्रीड है पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स ये शो करें जी, ये है पांडा, पाकिस्तान में काफ़ी रेयर ब्रीड है ये रैबिट्स में। माशाल्लाह से इसका फेस देखें, इसके ईयर्स देखें। अभी ये ट्रिम्ड है, मतलब अभी हमने अच्छा इसको, अभी ये ट्रिम्ड किया हुआ है, ये बिल्कुल ट्रिम्ड है। इसका इस वक्त का जो आप रैबिट की वूल देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये चौथा हिस्सा देख रहे हैं, तीन हिस्से अभी इसके ऊपर वूल आनी है। सही, ठीक है, माशाल्लाह अभी भी जबरदस्त, बिल्कुल। तो अभी ये आप दिखा निकाल के जरा शॉप मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स को। अब आपका साइज देख लें, जबरदस्त, ये 4 kg की फीमेल है माशाल्लाह, इम्पोर्टेड, और पाकिस्तान में जी काफी रेयर है ये। अब ये देखें ना, ये इस वक्त इसके ये इसकी वूल देखें, ये क्वालिटी देखें, वूल की क्वालिटी देखें, और ये ट्रिम है बिल्कुल जीरो साइज ट्रिम किया हुआ हम लोगों ने इसको। ये देखें इसकी ये लेंथ, लेंथ माशाल्लाह काफी अच्छी लेंथ है इसकी, ठीक है। ये देखें इसके ईयर्स पे देखें कितने सारे बाल हैं, और जबरदस्त बिल्कुल जिस तरह किसी ने प्रिंट किया होता है, जहां जहां भी ब्लैक है वहां ब्लैक बाल ही आएगा, वाइट नहीं आना, मिक्स नहीं होना, जबरदस्त, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल रशियन डॉग लग रहा है यहाँ से तो, जबरदस्त माशाल्लाह जी। क्वालिटी चेक करें, इसके ईयर चेक करें, कितनी वूल है इसके, इसके फेस देखें कितना क्यूट है, ये पंच फेस फुल फेस में आता है। अभी जब इसकी पूरी वूल आ जाएगी तो इसका फेस और आंखें नजर ही नहीं आएंगे बिल्कुल। सही सही, इसकी अगर पुरानी पिक्चर हुई तो मैं आपको शेयर करूंगा, वो आप दिखाइएगा दोस्तों को कि फुल फेस पांडा क्या होता है। सही माशाल्लाह जी, बहुत क्वालिटी है माशाल्लाह, क्वालिटी है माशाल्लाह। अब हमें नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं आप? मैं नेक्स्ट इसी की एक कलर रोटेशन दिखाता हूँ, ताकि आपको अंगोराज में इतने कलर शायद किसी के पास हो, तो मेरे पास अवेलेबल है। ये भी अंगोरा की एक ब्रीड है। हाँ जी, ये और अब आपके सामने है, जबरदस्त, ये कलर आपको वैसे आम यूट्यूब पर भी मुश्किल से ही देखने को मिलेगा, और ये बड़ा ही रेयर कलर है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ये देखे ना, ये रैबिट कितना लविंग है, कितना स्ट्रेस फ्री है आपके सामने, मेरे हाथ पे वो इजीली खड़ा हो गया, बैठ गया, वो देख रहा है उधर। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, इसको आप क्या कहेंगे रैबिट में? हम तो फॉन कहते हैं अपना, बर्ड्स हॉबी में इसी तरह, ये कलर्स में फौन यही कलर है। इनके डिफरेंट नेम्स हैं और इनके नेम्स की भी अच्छी खासी लंबी कतार है। सही, ये म्यूटेशंस में आते हैं, बस क्वालिटी जो है ना वो किसी भी रंग में हो नजर आती है आपके सामने। वो पांडा था पहले, और अब ये देखें, ये फॉन अंगूरा, ये देखें इसमें शेडेड है ये बकायदा, और ये अच्छा, ये एक कलर में नहीं है। हाँ, ये वाइट, ये नीचे से नया कलर आता है, इसके दो कलर हैं। सही, ये विंटर और सीजन में कलर चेंज हो जाते हैं इसके। अच्छा जी, ये देखें, ये कोड शेड जिस तरह डॉग्स में होता है, पेट्स में होता है, कैट्स में, इसमें भी कोड शेड होता है बकायदा। ये देखें क्वालिटी देखें, और ये भी जरूर, क्योंकि हमारे पास असल में अंगोरा जो है सर्वाइव करवाने के लिए गर्मियों में आप ट्रिम कर दें थोड़ा सा, और सर्दियों में इनकी वूल बढ़ा लें, और अगर आप इनको एसी दे सकते हैं तो आप बेशक इनको उनकी कॉमिंग करें, और आप इनको 5-5 inch की वूल भी आप कर सकते हैं इसकी। ये देखें जबरदस्त है माशा, ये भी फुल फेस है, ट्रिम किया हुआ है, ठीक है। देखें खा रहा है, ये हे को प्राली को बड़ा खुश होकर खाते हैं। ये कलर सिर्फ आपको मेरे पास ही मिलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये कलर अंगोरा में आप कहीं और से मिलेगा। वाइट एक अब आम हो चुका है, ब्लैक भी, लेकिन इस तरह के जो डिफरेंट, अभी पांडा कलर मैंने दिखाया आपको, ये वाला कलर दिखाया, अभी मैं आपको और 2-3-4 कलर दिखाऊंगा कि ये कलर्स के ऊपर अवॉर्ड बकायदा मिलते हैं, कि ये मैंने जिससे ब्रीड मंगवाई है वो शो करवाता है,
ठीक है, उसका भी लिंक मैं इनको बताऊंगा और वो आपको देंगे। आप ये मैंने वहां से रैबिट्स मंगवाए हैं, तो उसकी क्वालिटी और ये क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सेम है। जब आप इनके बाल बढ़ाएंगे तो इनकी लुक सेम जस्ट लाइक वैसे हो जाएगी। आप इनकी पोनी कर सकते हैं जो फीमेल्स की तरह होती है, आप इनकी चुटिया बना सकते हैं इनके बालों की, आप क्लिपिंग कर सकते हैं, कॉमिंग इनकी इस तरह होती है जिस तरह लड़कियों के बाल होते हैं। आप इनके इनके बड़े बड़े खूबसूरत अभी जो अंगोरा में कुछ तस्वीरें वगैरह इनके पास होंगी या मैंने दूंगा, तो वो आप साथ लगाइएगा ताकि व्यूअर्स देखें इस ब्रीड की किस किस तरह से आप लुक बना सकते हैं। जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, अपने अपने हिसाब से इनको टॉम बॉय और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनमें अंगोराज में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप इनकी लुक अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कटिंग करके और इनको पोनियाँ वगैरह बना के। तो ये चीज़ें मतलब एक इंटरेस्टिंग है पेट्स के लिए, क्योंकि लोग नया से नया कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। तो बिल्ली और कुत्ते तो हम सब लोगों ने रखे हैं, लेकिन हम लोगों ने अब इसको नया ट्राई करना, और ये एक ऐसा शौक है कि घर में भी आप इसको रख सकते हैं। मैंने घर में देखे बनाया हुआ, सारी ब्रीड्स जो है मैंने एक रूम में रखी हुई हैं, और इनकी मेडिकेशन भी इंसानों की तरह ही आम नॉर्मल। चले मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी चीज़ है। माशाल्लाह ये वाइट रंग हो रहा है और बहुत क्यूट है, बहुत लविंग है, बिल्कुल एक टॉय के तरह है ये। माशाल्लाह बहुत क्यूट है। तो फ्राज भी इसके, ये आई थिंक ये थर्ड है अंगोरा, थर्ड कलर है आपके पास माशाल्लाह। ये देखे ना, अब इसमें भी वाइट होना बड़ी चीज़ नहीं, इसे एड्स देखें, एड्स की लेंथ देखें, ठीक है, इसका फेस देखें, इसकी नोज देखें, ह्यूमन नोज की तरह है बिल्कुल सही, ठीक है। इसकी इसकी लेंथ ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लेंथ, ये देखें, ये इसकी, इसको आप अपने साथ ज़रा ऊपर करके लगाएं ताकि इसकी एक्चुअल लेंथ जो उनसी है वो हमारे व्यूवर्स को पता चले। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये इसकी लेंथ है, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये ना ही काटते हैं और ना ये शोर मचाते हैं, तो मतलब आप इनको जब आपने दिल किया प्यार करना, आप इसको उठा के इसकी इस तरह से इसकी पैडिंग करें तो ये अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स होते हैं, ठीक है। पैडिंग करते जाएँ इनको जिस तरह मर्जी करें, ये देखिए जो मर्जी करें उनको, फिर ये आपको ना तो भागेंगे आपसे ना आपको आपसे छुड़वाएंगे अपने आप को। ये देखिए, ये देखिए अब ये रिलैक्स हो गया, अब ये नहीं जाएगा कहीं पे, ये देखिए बहुत क्यूट चीज़ है माशाल्लाह। ये अगर आपकी ज़्यादा वूल होगी इसको काट के ट्रिम करके तकिए में डाल लें आराम से। अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा फ्लफी, दुनिया की सबसे ज़्यादा गर्म जो वूल है ना रुई में कॉटन में, वो ये वाली वूल है अंगोरा की, अंगोरा की मतलब सबसे लाइट वेट है और इसकी बेसिकली उड़ती नहीं है उस तरह से। इसकी अभी लेंथ जो सी है वूल की, आई थिंक ये 2 से 2.5 इंच है, ठीक है। और ये इसकी मैक्सिमम कितनी होती है वूल? ये मैक्सिमम इसकी 5 इंच तक जा सकती है, इससे ज्यादा भी जा सकती है अगर आप इसको रोज कॉम्बिंग करें या आप इसको साफ रखें। ये देखें जबरदस्त, ये भी ट्रिम है सर। मेरे पास जितने भी रैबिट है, क्योंकि मैंने इनको एसी नहीं दिया, मैंने इनको पाकिस्तानी माहौल में एडजस्ट किया कि कोई भी बंदा मुझसे अगर रैबिट लेता है वो एसी तो नहीं अफोर्ड करेगा ना, तो हमने इनको पाकिस्तानी माहौल में एडजस्ट किया है। इनके जो बच्चे आते हैं वो पहले ही एडजस्ट होते हैं, तो पहले लोगों को बड़ा मसला था कि बॉडी ब्रीड जी एडजस्ट नहीं होती, एसी लगाना पड़ता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ये मसले थे, अभी भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास जो ब्रीड है, मेरे पास जो है जो मैंने घर में रखी हुई, यहाँ पर देखिए कोई एसी नहीं है इस पूरे कमरे, अगर आप दिखाना चाहें तो इस पूरे कमरे में कोई एसी नहीं है। देखें जी, किसी वॉल पे आपको एसी नहीं नजर आएगा, ठीक है। मैंने अंगोरास रखे हुए आपके सामने कि कोई भी एसी वगैरह वाला सीन नहीं है, सिर्फ इनके लिए सिर्फ हम लोगों ने खाली पंखा लगाना है और ये अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी देखें ना प्योर वाइट में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है हमारे पास, और ये चीज़ें शौक से रखी जाती हैं, जो शौक है उसका कोई मोल नहीं होता। और बस इसको हमने बड़े प्यार से लॉन्च किया पाकिस्तान में, अल्लाह करे कि जो लोग इस फील्ड में हैं वो भी इसी प्यार से इसको आगे बढ़ाएं और पेट की तरह इसको आगे लेके चलें। फार्मिंग करने के लिए वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप एक पेड़ से भी उसको बढ़ाना चाहें तो फिर वो आप उसको बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप लाखों कमा सकते हैं। क्या आपने 2-2.5 लाख रुपया लगाया स्टार्ट में,
तो आपने अगर उसके बच्चों को नहीं सेल किया, आपने किसी को नहीं गिफ्ट किया, तो आप उसको एज अ पेट पालते जाएं, बढ़ाते जाएं, जब उनकी एक मैक्सिमम लेवल तक उनकी चली जाए तो फिर आप उसकी फार्मिंग स्टार्ट कर दें। फिर वो जो छोटा इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी, उसी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप बड़ा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास फीमेल ज़्यादा होंगी, आपके पास एक तादाद होगी, जिसके पास जितनी क्वांटिटी होगी उसके पास उसी तरह प्लस में प्रॉफिट आना है, अमाउंट आएगी। तो ये मतलब अगर आपने एक बच्चा बेचा तो उसकी प्रॉफिट उसी हिसाब से है, अगर आपने कट्ठे को 100 पीस बेचा तो उसकी प्रॉफिट अपने हिसाब से। तो जितना आप वेट करेंगे, देखें पैशन है, बिजनेस कोई भी करें उसमें तहम्मुल की बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें मेरे पास तो सच्ची है, मतलब बेचने वाला मामला नहीं है भाई, हमें नहीं बेचना, बेवकूफ बना के नहीं बेचना, अपनी चीज़ आपके सामने है क्वालिटी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में वो बंदा हूँ जिसने एग्जीबिशन तक करवाई है, एक्सपो सेंटर जो हॉट ऑन लाहौर में, और हमारे पास बकायदा रिकॉर्ड्स हैं हर चीज़ के कि हम लोग, मैं तकरीबन 7 साल से इस फील्ड में हूँ। तो अब जाकर पाकिस्तान में लोगों को पता चला है कि जी रैबिट्स क्या होते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने फार्मिंग की और 2-4 रैबिट्स रख के और चैनल बना लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हमसे रैबिट्स भी रहते हैं और हमें रिकमेंड भी करते हैं। तो यूट्यूब चैनल की डेट देख लीजिएगा, और 2019 के स्टार्ट में मैंने एग्जीबिशन करवाया था, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा किस तरह से कब से काम कर रहा है, क्योंकि इसमें प्योरिटी इसलिए जो सीनियर होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाइनियर कहते हैं अपने आप को, दुनिया कहती है। और आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि आप लोगों को पता चले कि किस चीज़ पे किस तरह से काम करना है। जब आप लोग हमारे पास आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपने किस किस तरह से, अच्छाई भी बताएंगे इस काम की और बुराई पहले बताएंगे कि इसमें नुकसान अगर होगा तो ये तो मैक्सिमम कितना होगा। मैक्सिमम मतलब देखें, आपने अगर पेयर ले लिया तो मैक्सिमम यही नुकसान है कि भाई इसमें से बचे 6 की जगह पे 4 आ जाएंगे। सही सही ठीक है, एक आधा बच्चा मर जाएगा, 3 बच जाएंगे। ये तो लाइफ स्टॉक का एक पार्ट है, हॉबी का। यही नुकसान है इसमें, और इसमें कोई नुकसान ऐसा नहीं है मतलब कि भाई आपने एक ब्रीड ले ली है तो वो बच्चे नहीं देगी या वो मतलब बिकेगी नहीं या वो खूबसूरत। देखें आप ऐसा पेट लेके चले ना, आप उसको ना मतलब आप अगर पसंद तो ले लें, आप जब पसंद जब आप शौक से रखेंगे तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी, ये मेरा ईमान है। क्योंकि आप लोग रोज़गार कमाते हैं अगर इससे, तो आपने इनको फिर उस तरह से केयर भी देनी है अपने बच्चों की तरह। खुशी हो गमी हो, मेरे लिए रैपिड जो हैं वो सबसे ऊपर होते हैं कि मैंने इनको लेके चलना होता है, क्योंकि ये हम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। बेजुबान है, आपने केज में रखा हुआ है ना, तो इसने केज में फिर आपका मुंह देख रहा होना है, रात तक होना है कि भी मुझे कोई आगे डालेगा तो मैंने खाना है। तो इनके पास फूड एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि इनको डाइजेस्ट करने में कोई मसला ना हो, वो इनको भर के दें अगर आपने कहीं आना जाना भी है। तो ये चीज़ें मैं साथ साथ आपको मजीद ब्रीड दिखाता हूँ, फिर बातें होती हैं। ये भी जी अंगोरा की ब्रीड है, एक अंगोरा है और ये है क्रिमिनो, इसको क्रिमिनो अंगोरा कहा जाता है। और माशाल्लाह से ये भी काफ़ी, इसका देख लें वूल आप, काफ़ी फ्लफी है माशाल्लाह। इसकी भी देखें, चीज़ ये एयर्स देखें इसके, ये डबल शेडेड में है, ये देखें ये कलर देखें, ये यहाँ पे टॉप पे हल्का सा नोजी पे होगा बिल्कुल, बाकी ये सारा कलर्स का ये देखें, प्यारी चीज़ यहाँ से ये देखें कलर्स का, अंदर से वाइट हो गया बिल्कुल, ऊपर से लाइट था इसका क्रीम में आ जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त, इसकी आप यहाँ पे इसकी पोनियाँ ये हो सकती हैं इसकी, ठीक है, इस तरह करके जिस तरह भी लड़कियाँ करती हैं, ठीक है। तो लिंक मैं आपको दूंगा, वो आप दिखाइएगा, उसमें बहुत ज़बरदस्त स्टाइल हैं अंगोरास के। सही जी फराज भाई, ये भी अंगोरा भाई, ये वाला ब्लैक अंगोरा है, और ये देखें ये डबल शेड में है, ये कितना खूबसूरत शेड है, ब्लैक एंड ग्रे, ये ग्रे कलर में, हेडिस का जेट ब्लैक है, यस ये देखें, और वूल जो सी इसकी वो ग्रे है, ये देखें, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ज़बरदस्त।
बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये देखिए देखिए ना, मतलब जब आप प्यार करेंगे तो कोई भी जानवर जो है वो आपसे प्यार करेगा और आपको रिस्पॉन्स देगा। ये देखिए, ये देखिए, तो ये सिर्फ आपके प्यार से ही है कि आप किसी पत्थर भी जो है वो बोलने लगता है। ठीक है, ये देख लें, ये फिर अभी स्टैंड करेगा। तो ये बकायदा टॉय है ना बच्चों के लिए। तो ये देखें, ये देखें, चलो अभी तो ये चीज़ें प्यार से ही होती हैं। अदरवाइज सिर्फ अगर आपने जानवर समझना तो भाई फिर ये इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। जी फराज भाई, ये क्या चीज़ है, ये कौन सी ब्रीड है? ये टेडी बियर अंगोरा है, टेडी बियर ड्रॉप भी कह सकते हैं आप इसको, टेडी बियर अंगोरा भी इसको कह सकते हैं। ये देखें इसकी वूल देखें, टेडी बियर अंगोरा, और इसकी ईयर्स देखें, ये देखें दो दो इंच की इसकी ईयर्स हैं, पंच फेस है, देखें बहुत खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। ये छोटा जो, और इसी कलर में खिलौने भी मिलते हैं बिल्कुल, और टेडी बियर कैट्स वगैरह बनी होती हैं बिल्कुल। ठीक है, जो सेल्स वाली हैं बैटरी वाली, तो ये देखें, ये इसका साइज देखें बिल्कुल छोटा सा, और ये कैट की तरह जो है वो आप इसको घर में रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें बिल्कुल बिल्कुल लविंग, मतलब इसमें कोई किसी किस्म का वो नहीं है कि भी इसको आपको, ये देखें अब इसको आप जिस तरह मर्जी स्टाइल आना चाहें, ये देखें, ये लें फेस नज़र ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, अक्सर लोग यही बोलेंगे इसका फेस किधर भाई, ये देखिए किधर गया फेस, बिल्कुल फेस इसका चुप। और अब आपने इसको अगर क्लियर करना है तो आप इसको मतलब ये इसके बहुत सारे डिज़ाइन आप बना सकते हैं खूबसूरती के, और ये वैसे भी देखें ना, ये खूबसूरती किसी की जो है वो अल्लाह पाक की कुदरत है जी, हर चीज़ में अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत शामिल की हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें उसी की कुदरत है कि आज हम रैबिट्स कितनी ब्रीड्स को अपने हाथ में रख के देख रहे हैं कि ये क्या है। बिल्कुल, तो शौक करें, अनोखा करें, तो हमें तो शौक हमेशा से रहा है अलग कि भाई हमने अलग ही शौक रखना है। ये देखें इसके तीन कलर हैं इसमें, बल्कि ज़्यादा कलर हैं, तीन से ज़्यादा कलर हैं। देखें वाइट में भी है, ग्रे है, वाइट है, ब्लैक में भी है, आलमंड कलर है, यस, और ये अच्छा लगता है ना एक ही रैबिट के अंदर इतने सारे कलर आपको जो है वो एक रैबिट में सारा कुछ मिल जाता है। कि आपको अगर कलर रेनबो कलर भी आप इसे कह सकते हैं कि रेनबो कलर इसमें कलर हैं डिफरेंट, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट अब हमें क्या दिखाने लगे हैं? नेक्स्ट मैं आपको इसी में एक ब्लू कलर दिखाता हूँ अंगोरा में, जबरदस्त, ये चॉकलेट कलर में है टेडी बियर, ये भी अंगोरा की नस्ल है, ये भी अंगोरा में से यह पकड़ी टेडी बियर है। सही है, देखें ये चॉकलेट कलर में है, ये शेड इसका पहले वाले बाल जा रहे हैं, दूसरे बाल अब इसके डार्क में शेड में आ रहे हैं। ये देखें छोटा सा साइज है, ये देखें कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये हाथ जितना एक रैबिट है, इसमें इतना ही रहना है। अच्छा, ये ब्रीड ऐसी, ये ब्रीड ऐसी है, इसमें साइज में छोटा ही रहना है। सही, ये देखिए, ये कलर चॉकलेट, ये भी रेयर है, ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो कलर्स देखें, कलर्स के ऊपर बड़ी देर से हम लोग काम कर रहे थे, तो आज आके ग्रिप हुई है कलर्स के ऊपर कि जिस किस्म का कोई कलर मांगेगा उसको मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, अवेलेबल होगा हर वक्त, अवेलेबल होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक और ब्लू दिखाता हूँ जी। तो फराज भाई, ये कौन सी ब्रीड है? ये भी अंगोरा में है, ये भी अंगोरा में कलर, बट ये ब्लू कलर में आता है, इसको ब्लू कलर कहा जाता है। सही, ठीक है, आप देखें इसका साइज देखें, क्वालिटी, फेस देखें, माशाल्लाह हैवी फेस, हैवी ईयर्स में, अच्छा बड़ा बोन स्ट्रक्चर में जो है ना ये रैबिट है। ये भी फुली ट्रिम्ड है, ठीक है, अच्छा भी ये ट्रिम्ड है, ये सारे जितने भी मैं आपको अंगोरा दिखाए हैं, दिखा रहा हूँ, ये सब ट्रिम्ड है, इनके बाल आ रहे हैं, और ये जब इनके बाल फुल आ जाएंगे तो मैं कुछ पिक्चर्स आपको दूंगा, वो आप अभी वीडियो में लगा दीजिएगा कि इनके पूरा फेस, इनकी पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो बालों से बड़ा होता है। आपको कोई चीज़ जज नहीं होगी कि इसकी आंख किधर है, कान किधर है, फील नहीं होना आपको। सही, ये देखिए इसका साइज मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो। ये देखें, ये देखें
माशाल्लाह जी, लेंथ चेक करें, साइज देख लें, ठीक है माशाल्लाह। इसकी साइज ये देखें अभी ये भी स्टैंडिंग जानता है रैबिट। इसकी स्ट्रक्चर, इसका पोस्चर देखें कि वो किस तरह बैठता है। ये रैबिट्स को सबसे अच्छी जो पैडिंग है ना वो ये पसंद है, इसका सर पे। ऐसे से अगर आप इनको हाथ लगाएंगे ये तो रैबिट बहुत ज़्यादा इजी होता है इससे। ये देखें, ये भी ट्रिम्ड है बट इसके ये देखें अभी भी वूल इसकी दो दो इंच ढाई ढाई इंच होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। ये देखिए खूबसूरत है माशाल्लाह। ये कलर्स जो हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के पास नहीं है, और इम्पोर्टेड बेसिकली बिल्कुल भी नहीं होंगे। इम्पोर्टेड होंगे शायद हम में से किसी के बंदे ने दिए हों, लेकिन ये है कि ये डायरेक्ट इम्पोर्ट है। ये जो रैबिट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इम्पोर्टेड रेड लाइन भी है, और ये बाय एयर रैबिट्स यहाँ पाकिस्तान में आए, ये पाकिस्तानी रैबिट्स नहीं है, ये बाय एयर रैबिट्स आए हैं सारे। इनके हमने फ्रेट वगैरह पे किए हैं, बकायदा हर चीज़ पे करने के बाद हम लोग आपको पाकिस्तान में ये अवेलेबल हैं, हम लोग आपको डायरेक्टली दे सकते हैं जब भी आप इसको डिमांड करेंगे। ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है कि हम लोग एक और पेट फील्ड को लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो फराज भाई, ये कौन सी ब्रीड है आपके पास? ये हमारे पास ये होटोट में है, जाइंट होटोट, ये बेल्जियम की इम्पोर्ट है। जबरदस्त, और आपके सामने माशाल्लाह साइज, बहुत खूबसूरत चीज है माशाल्लाह। साइज देख लें, ये देखें सही। और अभी ये मेरा ख्याल है 7 महीने का है, ये मेल है, मेल रैबिट है, और अभी ये बच्चों में आता है, ये पूरे साल बाद जाके तकरीबन 7+ kg का हो जाएगा माशाल्लाह। और ये देखें इसका फेस देखें, इसकी एयर देखें। होटोट छोटे साइज में तो पाकिस्तान में है, लेकिन आई एम फर्स्ट वन पाकिस्तान में इसको लॉन्च करने वाले जो है वो हम दोस्त हैं। पाकिस्तान में ये सिर्फ हमारे पास ही है, होटोट जाइंट लोगों के पास नहीं है। ये पेडिग्री है, बाकी रैबिट्स पे कानों पे वूल थी इसलिए शायद क्लियरली नज़र नहीं आते आपको। ये देखें, ये टैटूड है बकायदा ना, स्टैम्प है ये स्टैम्प लगी हुई इसके कान के अंदर, ये इसकी निशानी होती है डॉग्स में, कैट्स में ये चीज़ें पंच होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी सारे रैबिट्स की हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें, तो ये रैबिट जो है अपनी मिसाल आप है, साइज देखें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा फ्लफी, और ये बड़ी स्किन, खुली स्किन है इसकी। देखें माशाल्लाह से जी, लेंथ चेक करें इसकी, इसको अगर हम अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक देखें तो ये देखें, ये ऐसा कर देखें, ये है इसकी असल लुक। ये देखें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें इसका फेस देखें, हाथ से बड़ा इसका फेस, और ये भी अच्छे खासे साइज में। ये देखें अगर हम इसको इस तरह लेके चलें तो ये देखें माशाल्लाह जी, लेंथ चेक करें जी इसकी माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह से जी, ये जो से बनीज अवेलेबल हैं फॉर सेल, बहुत सारे कलर्स में माशाल्लाह, ये तकरीबन 7 कलर्स हैं बनीज के। ये देखिए जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलर है इसका बच्चे का, बहुत बहुत प्यारा कलर है, ब्लू कलर इसको कहा जाता है। ये देखें जी, ये वाइट अंगोरा है, ये भी बनी है छोटा सा क्यूट सा, ये जैकेट में है, ये भी जैकेट में है,
माशाल्लाह जी बहुत क्यूट है। डिफरेंट क्वालिटीज डिफरेंट ब्रीड्स हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलर इकट्ठे एक जगह के ऊपर जो है वो शायद ही आपको भी देखने को मिले। ये देखें तो हम यहाँ पे एक घर में एक कमरे में सेटअप जो है वो बनाकर आप ये ब्रीड्स इनके बच्चे आप ले सकते हैं, आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, आप इनके बच्चों को बेच भी सकते हैं। ये देखें ये सारे ब्रीड्स इधर इसी कमरे की हैं, इसी घर के अंदर ही इन्होंने ब्रीड की है और ये डिफरेंट ब्रीड्स हैं जो यहाँ पे ब्रीड कर रही हैं और आपके सामने बच्चे माशाल्लाह सेल्फ हो गए हैं, हेल्दी एंड एक्टिव हैं, इनको पकड़ना मुश्किल हुआ है। तो ये देखें ये सारे अवेलेबल हैं, जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर काइंडली शेयर कर दें। कॉन्टेक्ट नंबर वैसे तो शेयर नहीं हम लोग करते क्योंकि हमारे पास बुकिंग पहले ही होती है, ऑलरेडी लोग बुक कर देते हैं, शायद हमारे पास ब्रीड बहुत ज़्यादा बुक होती है पहले ही, लेकिन फिर भी जो दोस्त सिर्फ इंटरेस्टेड हों वही रब्ता करें। इसमें ज़्यादातर रिकमेंड जो है ना वो यही है कि जो पेट्स को समझते हैं, क्योंकि बाज़ अवकात लोग ले जाते हैं और जब रैबिट मरता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि रैबिट मरना नहीं चाहिए। सही, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर काइंडली आप शेयर कर दें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 03129225014, ये मेरा व्हाट्सएप पे भी है, कॉल भी आप कर सकते हैं। बस ख्याल कीजिएगा कि कॉल जब आप करें तो रात का टाइम ना हो, आप सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल कर लें, जिसमें हम लोग ऑफिशियली मतलब आपकी कॉल अटेंड भी कर लेंगे, आपसे बात भी हो जाएगी और जो भी क्यूरी आपको रैबिट के अंदर आए या रैबिट फार्मिंग में रैबिट्री में आए तो एज अ पेट में भी है जो भी मसला होगा तो मैं उसमें आपकी हेल्प भी कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्जेस नहीं है करने के। और जो मुझसे होगा क्योंकि शौकीन हूँ मैं भी, तो शौक को प्रमोट करना मेरी हॉबी है, बेसिकली बिजनेस बाद में है। आप लोग मुझे वैसे भी कॉल कर सकते हैं किसी मसले की वजह से भी, तो मैं हाजिर हूँ। बस ये है कि आप टाइम का ख्याल कीजिएगा कि मैंने पहले मुझे मेरे इंटरव्यूज़ काफ़ी चैनल्स पे आए हैं तो लोग शाम को रात को 4 बजे भी कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी मुझे रैबिट रखने हैं आपसे बाय करने, तो वो फिर टाइम जो है ना वो बड़ा डिस्टर्बेंस वाला होता है, तो मेरा फ़ोन मेरा ही हर वक्त ऑन होता है। तो बस आप रब्ता करें, मैं जिस तरह हो सकेगा आप लोगों की खिदमत करूँगा, आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ तो बिल्कुल करूँगा। रैबिट चाहिए होंगे तो क्वालिटी मैंने दिखा दी है, ये अभी सिर्फ एक कमरे की क्वालिटी है जो मैंने आपको दिखाई है। सही, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको फार्म भी विजिट करवाएंगे जब टाइम लगता है, इंशाल्लाह ताला ये करीम भाई आते हैं हमारे पास तो ज़रूर सर आप आए हमारे पास, आप इंशाल्लाह फार्म विजिट करवाऊँगा अपना। अभी ये सिर्फ एक डेमो है कि आप लोग घर के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर भी इतनी सारी ब्रीड रख सकते हैं इम्पोर्टेड, कि जिनको आपने टेम्परेचर भी मेनटेन करना है, जिनकी आपने डाइट भी मेनटेन करनी है, फिर बच्चे भी लेने हैं, ठीक है। सही, ये अभी देखे ना ये सारा एक ब्रीडिंग सेटअप है, ठीक है, ये देखें माशाल्लाह आपके सामने है, इधर भी बनीज जो उनसे हैं देख सकते हैं आपके वो देखें, ऊपर भी देखें वो देखें, ये क्वालिटी खूबसूरती हैं बच्चों की, बस वो अच्छे लगते हैं, जैसे कैट के बच्चे हैं इससे रैबिट के बच्चे भी हैं। जी आपको ब्रीडिंग सेटअप दिखा रहे हैं माशाल्लाह से, देखें हर केज में आपको जो उनसे हैं बनीज नजर आएंगे, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से, ये अपनी माँ के साथ बैठे हुए, ठीक है, ये अच्छा लगता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये देखें ये देखें ये इनकी नेस्टिंग बॉक्स है, ये देखें ये देखें इसमें ये ब्रीड करते हैं, ये बॉक्सेस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, ब्रीड केज जो भी आपको चाहिए होगा तो वो आपको मिल जाएगा, हम लोगों से जो कुछ भी होगा अवेलेबिलिटी आपको बता दी जाएगी, और अगर ना भी हुआ तो उसमें बुक कर लीजिएगा। बुकिंग के लिए आप बता सकते हैं हमें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं वीडियो देख के आ जाते हैं, फिर उसमें फिर हमारी कोशिश होती है कि हम लोग हर बंदे को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है आपको। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।